हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, परीक्षा में सफलता पाने के लिए करें ये 11 ज्योतिष उपाय। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में अच्छे नंबर अवश्य आएंगे। जी हाँ, प्रतियोगिता परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अगर अपनी स्टडी रूम में कुछ खास ज्योतिष उपाय करते हैं तो दोस्तों, उन्हें आसानी से सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगिता यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये खास 11 उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे उनको फायदा ही मिलेगा, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, ये उपाय झट से कीजिएगा और परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा, फिर देखिए कैसा आता है आपका रिजल्ट। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। पहला उपाय, ध्यान रखिए कि स्टडी रूम में अध्ययन सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से रखी हो, कोई भी कॉपी पेन और किताबें खोली ना पड़ी हो। दोस्तों, ऐसा होता है तो व्यवस्थित करके रखिए अपनी किताबें पेन। जी हाँ दोस्तों, ढंग तरीके से रखे, इससे सरस्वती माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, नंबर दो, स्टडी रूम में रखी कुर्सी या मेज टूटी ना हो। ध्यान रहे कि यह नियमित रूप से सफाई हो और किताबों पर धूल मिट्टी ना जमे। दोस्तों, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और पढ़ाई में विद्यार्थी का मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, साफ सुथरा अवश्य रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी कम होती है और सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। नंबर तीन, जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो उस पर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, भोजन अगर करें भी तो टेबल पर रखी किताबें कॉपी ढक कर रखें और भोजन के बाद बर्तन उचित स्थान पर रख दे। जी हाँ, ऐसा करने से दोस्तों आपका पढ़ाई में मन अवश्य लगेगा। दोस्तों, नंबर चार, पढ़ने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है कि सुबह 4 बजकर जाकर पढ़ाई करने वालों का ज़्यादा आसानी से याद होता है, इसलिए छात्रों को सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठकर पढ़ाई करते हैं तो करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कम मेहनत में आपको पढ़ाई अच्छे से याद रहेगी और आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अवश्य करें। नंबर पाँच, ध्यान रहे कि पढ़ते वक्त विद्यार्थी का मुंह ईशान कोण यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर रहे। अध्ययन कक्ष में पढ़ते समय विद्यार्थियों को जूते मोजे नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, अवश्य ध्यान रखें। नंबर छः, गुरुवार को इमली के ताजे पत्ते किताबों में रखने से विद्यार्थियों की बुद्धि तेज होती है। दोस्तों, अब तक आपने नहीं रखे है इमली के पत्ते तो अवश्य रखें, इसकी आपकी बुद्धिमत्ता में जी हाँ सुधार आएगा। दोस्तों, नंबर सात, विद्यार्थी या अध्ययन करने वालों, अगर आपने मोर पंख रखे है तो इससे स्कूल या कॉलेज में सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप किताबों में मोर पंख रखते हैं तो इससे आपको मान सम्मान बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अवश्य रखें। नंबर आठ, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुवार को किसी गाय को पीले पेड़े अवश्य खिलाने चाहिए, या दोस्तों पीले अन्न अवश्य खिलाए, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, ये उपाय भी अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर नौ, जिन्हें परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर भूलने की समस्या है, वो परीक्षा के समय अपने पास थोड़ी कपूर और फिट कर रखनी चाहिए। इसे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, अवश्य रखें। नंबर दस, परीक्षा में जाने से पूर्व कुछ मीठी चीज़ खाकर दही और चीनी के साथ तुलसी के पत्ते खाकर निकले, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, नंबर 11, सिर और गर्दन के बीच पीछे की ओर मेडुला नाड़ी होती है जिसका संबंध बुद्धि से होता है। मेडुला नाड़ी के स्थान पर अंगुली से रोज 2 से 3 मिनट तक मालिश करने से एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है।
तो दोस्तों इस तरह आप मसाज करेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता तेज होगी और दोस्तों आसानी से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस पर मालिश अवश्य कीजिएगा, इससे आपको बुद्धि तेज होगी और अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। दोस्तों सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों ये उपाय अवश्य करें। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री सरस्वती माँ अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।